अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको फ्रॉक की कटिंग दिखाने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्रॉक की लेंथ ली है और ये विड्थ ली है। ये हमारी सेंटर की कली है। ये हम एक छोटी बच्ची का फ्रॉक कट कर रहे हैं। ये हमने अपनी कांधे की मेजरमेंट ले ली है। आप देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा कर्व काटा है। इसके नीचे हम एक छोटा पीस लगाएंगे। ये हम गले की कटिंग कर रहे हैं। ये हम अपना कांधा कट कर रहे हैं। अब हम गोल कली की कटिंग करेंगे, थोड़ा सा कर्व देंगे कॉनकेव शेप का, कुछ इस तरह। अब हम इस शेप को भी अपनी इसी शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे किया हमने इसे। अपने फ्रॉक के गुमज़्यादा करने के लिए हम एक स्क्वायर पीस लेंगे। इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे हम जितनी हमें चाहिए। ये पीस हम अपने स्क्वायर पीस के नीचे लगाएंगे। हम एक जैसी मेजरमेंट लेके कट कर लेंगे। यहाँ से हम गुलाई की निशान लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो आप कोनों वाली कमीज भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक फ्रॉक बना रहे हैं। कम कपड़े में ज़्यादा गुम कैसे बनाए जाएं, आज हम आपको यही सिखा रहे हैं। ये पीस यहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरह। ये हमारे पास बेल्ट का पीस है, ये हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसकी वजह से हमारे फ्रॉक की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और ये पहनने के बाद बहुत सूट करेगा। यहाँ पे हम कंधे में पाइपिंग लगाएंगे पिंक कलर की, अपने सूट के कंट्रास्ट के मुताबिक। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। हम उस स्क्वायर पीस से अपने शर्ट की कॉलर कट करेंगे कुछ इस तरह। ये हमने स्क्वायर पीस को तिकोन में लेके एक डबल तिकोन लिया है। इस तरह हमारे पास चार लेयर्स अवेलेबल हुई हैं। इसको हम सर्कुलर शेप में कट कर लेंगे, ना बहुत डीप ना बहुत वेज। आप देख सकते हैं सेंटर से कटिंग कर ली से। ये कॉलर कुछ इस तरह लगेगी, आप देख सकते हैं।